हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफाली सक्सेना आज आपके लिए लेके आए हैं ये मूंग दाल का स्टफ नाश्ता। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत सारी वेजिटेबल्स से बना ये नाश्ता है, बहुत कुरकुरा सा है, बहुत अच्छा लगेगा, जल्दी से बनने वाला है। और ये आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मैं बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ पहले भी ला चुकी हूँ, आगे भी लाती रहूँगी। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, चलो रेसिपी को जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है मेरे पास 2 कप मूंग की दाल, इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, अर्ली मॉर्निंग मैंने इसको भिगो दिया था। और अब मैं इसको इस तरीके से पीस लूँगी, ये देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से महीन मेरे को पीसना है, तो मैं बिल्कुल महीन इसको पीस लूँगी। और ये देखिए इसके बिल्कुल तैयार हो गई, ये देखिए कितने अच्छे से गाढ़ी है और बिल्कुल महीन है। ज़्यादा पानी यूज़ नहीं कीजिए वरना बिल्कुल पानी पानी सा हो जाता है तो अच्छा स्वाद नहीं देता है। ये एकदम गाढ़ा सा पेस्ट बन के तैयार हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और यहाँ पे मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ अच्छा सा रंग देने के लिए। और इस तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो और भी जो है लाल मिर्च वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसे थोड़ा सा पीला सही रहने देना है और मसाला ज़्यादा नहीं चाहिए है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ नमक और हल्दी का यूज़ किया है। और इसको अच्छे से फेंट लीजिए जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए। अब मैंने यहाँ पे एक पैन को गरम किया है और 2 चम्मच तेल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये मेरे पास है मेरा अदरक लहसुन हरी मिर्च जो मैं कूट के यूज़ करती हूँ, तो आप वही यूज़ कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने एक लंबी कटी प्याज ली है, एक बड़ी प्याज है मेरे पास तो मैंने एक बड़ी प्याज ली है, अगर छोटी छोटी प्याज हो तो आप 2 यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से मैं इसको अच्छे से भून लूँगी जब तक ये प्याज का रंग थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। इस तरीके से आप इसको अच्छे से मिला लीजिए। और बहुत ही कम तेल में बना रही हूँ इसीलिए ये तेल भी कम नज़र आ रहा है इसमें, लेकिन ये पकेगा बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए, अब मेरे पास यहाँ पे बीन्स है तो ये मैं बीन्स यूज़ कर रही हूँ, हल्की सी मैंने ब्लांच कर लिया था, गर्म पानी में ही डाल के निकाल दिया था। और ये उबले हुए मेरे पास बॉइल्ड कॉर्न है, जो अमेरिकन कॉर्न आते हैं मार्केट में वही वाले कॉर्न है मेरे पास, तो मैं वही ऐड कर रही हूँ इस तरीके से। और ये लंबी लंबी मैंने शिमला मिर्च है तो वो मैंने काट ली थी, करीबन 1 कप शिमला मिर्च है मेरे पास ये। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रहूँगी। और आज मैं यहाँ पे कोई आलू यूज़ नहीं कर रही हूँ और सिर्फ ये वेजिटेबल्स ही यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी इसको वेजिटेबल्स के साथ बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। और वेजिटेबल्स भी ऐड कीजिए, इधर ब्रोकली यूज़ कीजिए, इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है। और जो वेजिटेबल आप नहीं खाते हैं वो सारी वेजिटेबल आप डाल के इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इनको बस मुझे हल्का सा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ज़्यादा वेजिटेबल पक जाती है तो वो स्वाद नहीं देती है, इसलिए हल्का सा क्रंचीनेस जो वेजिटेबल में होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए वेजिटेबल को थोड़ा क्रंची ही रखिए, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है वेजिटेबल्स। और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, अब अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लीजिए इसमें, बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो नमक। और इस तरीके से अब मैं यहाँ पे कटा हुआ बारीक हरा धनिया यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा स्वाद आता है हरे धनिया से, बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया भी ऐड किया है, और आप चाहें तो पुदीने के पत्ते भी यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा होता है। आज मैंने यहाँ पे धनिया ही यूज़ किया है। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब मैं यहाँ पे घर की बनी हुई मेरी टोमेटो सॉस है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि जो बाहर की सॉस होती हैं वो प्रिजर्वेटिव्स होती हैं, मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती हैं, तो मैं यहाँ पे होममेड जो टोमेटो सॉस है वो यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, थोड़ा सा लगा लिपटा बनाने के लिए उसको अच्छे से, ताकि मेरी सॉस जो है सारी वेजिटेबल्स में लग जाए। आप यहाँ पे शेज़वान सॉस भी डाल सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद है, और यहाँ पे जो मोमोज़ वाली सॉस होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इस तरीके से आप घर पर बनाइए सारी सॉस और इस तरीके से आप इन्जॉय कीजिए। अब ये देखिए ये बन के तैयार हो गया। अब मैंने उसी पैन में 1 चम्मच ऑयल लिया है और ये जो मेरी मूंग दाल का बैटर है वो मैं 2 चम्मचे भर के इस तरीके से फैला लूँगी, जैसे चीले के लिए फैलाते हैं। और ध्यान रखिए थोड़ा सा मोटा रखिए और ना पतला पतला नहीं बनाइए, और ताकि थोड़ा फिलिंग हो जाए, बहुत अच्छा सा लगे खाने में, इसलिए थोड़ा सा मोटा ही रखिए।
ये देखिए अच्छे से मैंने इसको फैला लिया, और गैस को मीडियम हीट पे ही रखिए इस तरीके से। और अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये हल्का सा देखिए अब यहाँ पे पकने लगेगा, आप देख पा रहे हैं ये हल्का हल्का सा पकने लग गया है। और अब इसी में ही मैं ये जो मेरा मिक्सचर मैंने बनाया था वेजिटेबल्स का, तो मैं अच्छे से इसको स्प्रेड कर दूंगी। और जैसे डोसा में हम भरते हैं एक तरफ भर देते हैं और फिर रोल आउट कर देते हैं, हम मैं यहाँ पे वो नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं इस तरीके से पूरे में स्प्रेड कर रही हूँ। और ये देखिए इस तरीके से आपको पूरे में स्प्रेड कर देना है ये पूरा मिक्सचर जो है। इसमें इतने मिक्सचर में दो चीला बन जाएगा, तो ये दो चीले के लिए सफिशियंट है। और ये मैं इस तरीके से इधर कर रही हूँ, और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसको मैं इस तरीके से ढक दूँगी और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दूँगी। और अब देखिए ये ऊपर से भी पक चुका है, और ये मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे पकने में। अब मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ इस तरह से, एक फोल्ड, और इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी ताकि ये जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो इसमें अच्छे से बन जाएं, बाहर ना निकले। और अब मैं इसको दूसरा फोल्ड कर दूँगी इस तरीके से, और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगा। ऊपर से देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है, तो ये मेरे पास दो बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से, ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है, अच्छे से पक गया है। और अब मैं इसको इस तरीके से इसको काट लूँगी, इसको एक में तीन मेरे डिवाइड हो जाएंगे, अगर आप थोड़ा लंबा बड़ा बनाते हैं तो 4 में डिवाइड कर लीजिए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी रेसिपी जब भी मैं अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।